पाटजर ओपनिंग का ये मेरा तीसरा वीडियो है। नेट पर से गेम मिला, लेकिन ये थोड़ा अमेच्योर प्लेयर्स लगते हैं, तो जो बिगिनर्स अपने चेस प्लेयर है उनके लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत गलतियां करी है इन्होंने। देखो ओपनिंग कैसे होते हैं, E4 E5 और क्वीन H5 लेता है। अभी क्वीन H5 के बाद इसने पॉन ऊपर लिया और क्वीन को थ्रेट दी। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये E5 पॉन को क्वीन की थ्रेट है, तो E5 को बचाना चाहिए। तो E5 के बचाने के लिए नाइट C6 पे आ सकता है, ये पॉन ऊपर आ सकता है D6 के ऊपर, या क्वीन यहाँ पे आ सकती है E7 के ऊपर। और मैंने जैसे पहले भी बताया, बहुत सारे लोग ये नाइट खेलते हैं, Nf6 खेल के थ्रेट देते हैं क्वीन को, वो भी ठीक नहीं है, लेकिन कोई गेम उसमें भी जीते गए। तो इसने G6 खेला, अभी क्वीन इसने ले ली G4 पे, जो ग्रीन दिखा रहा है वो G4 पे ले ली। एक्चुअली क्वीन से ये पॉन मारना चाहिए था, लाई क्यों वहाँ पे क्वीन। हाँ, तो क्वीन G4 पे ले ली। उसके बाद इसने Fy खेला, हाँ ठीक है, तो क्वीन इसने H3 पे ले ली। यहाँ पे इसको मार देना था पॉन को, अगर वो अपने ये पॉन से मारता तो वो भी क्वीन से मार सकते थे, पूरा इसका यहाँ का कैसल खाली हो जाता था। तो नहीं किया, क्वीन H3, F×E4। हाँ, इसने अभी दो पॉन डबल पॉन हुए, लेकिन ये इसको अभी थ्रेटन करने वाला पॉन को अभी तो कोई नहीं। तो Bc4 लिया उसने, वो भी थ्रेटन नहीं किया, पॉन ऊपर लेता ये तो इसको थ्रेट मिल जाती, तो Bc4 पे लिया। सिर्फ बिशप बीच में निकालने का और C4 पे लाने का, इटालियन गेम जो खेलते हैं उनको आदत रहती है। नाइट F6 खेला, अभी ये पॉन यहाँ पे लेके बिशप को थ्रेट दे सकता है। एक्चुअली इसमें खेल में चेस के हमेशा ये देखना चाहिए, चेक कैसा दे सकते हैं और थ्रेट कैसे दे सकते हैं, ये भी दो चीज़ें देखनी चाहिए। तो पॉन ऊपर लेता था इसको थ्रेट मिलती, हाँ अच्छा, नाइट यहाँ पे लेके इसको E4 को भी थ्रेट मिल रही है, वो भी ठीक है। तो Nf6 लिया और E4 को थ्रेट है, ओके। D3 खेलना चाहिए था, खेला उसने, हाँ, और बिशप को सपोर्ट करा, ठीक है, पॉन इसको मार सकता है, पॉन को भी थ्रेट है, लेकिन अच्छी मूव रहती कि क्वीन यहाँ पे लेता वो C3 के ऊपर। तो C3 पे लेने से E5 को थ्रेट रहती, और E5 मारने से चेक लग जाता था, हाँ, तो ये रेड जो दिखा है वो अच्छी मूव थी। D3 E×D3, हाँ, E×D3 करने से कंप्यूटर सजेस्ट करता है कि पॉन को ऊपर ले लो यहाँ पे D5 के ऊपर और थ्रेट दे दो बिशप को, थ्रेट बिशप मार नहीं सकता क्योंकि नाइट का सपोर्ट है। तो E×D3 किया इसने, Qxd3 किया, Bh4 लेके चेक दिया, ठीक है चेक दिया, C3 पॉन ऊपर लिया, Bc2 C5, F2 को थ्रेट किया। ब्लैक के लिए F2 को थ्रेट करना बहुत अच्छा रहता है, और वाइट के लिए F7 डेंजरस पॉन्स। तो नाइट F3 लिया उसने, एक्चुअली क्वीन को यहाँ ले सकता था वो E2 के ऊपर, ये पॉन को थ्रेट रहती थी, तो चेक भी लगता है। Bf2 C5, Nf3, अभी नाइट G4 इसने लिया, अभी नाइट G4 लेके वो F2 को थ्रेटन करना चाहता है। मेरा उससे अच्छा है पॉन लेता तो इधर फोर को रहता पॉन का, क्वीन और नाइट, हाँ, और ये फोर को भी देखते रहना चाहिए, पॉन का फोर बहुत डेंजरस रहता है,
व्हाइट को भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पॉन का फोर्क न हो। इसको शायद सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन पॉन का फोर्क अगर चांस मिलता है तो करना चाहिए। तो नाइट टू जी फोर, इसने कैसल किया, फिर भी इसने बिशप क्रॉस एफ टू कर दिया। अभी ये जो होता है ना, पॉइंट के हिसाब से देखो तो ठीक रहता है, क्योंकि एक एक पॉन और ये हाथी जाएगा इसका, और इसका नाइट और बिशप जाएगा, 6 पॉइंट। लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपकी दो मूवमेंट जा रहे हैं, एक बिशप की मूवमेंट जा रहे हैं, एक नाइट की मूवमेंट जा रहे हैं, अगेंस्ट रूक की स्ट्रेट मूवमेंट जो है वो। हाँ, तो फायदा किसको मिला, व्हाइट को फायदा मिला इसका। तो इस तरह से एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। रुक क्रॉस एफ टू, नाइट क्रॉस एफ टू, किंग क्रॉस एफ टू, हाँ भी रुक टू एफ एट, ये नाइट को पिन किया इसने। करने के बाद बिशप टू जी फाइव इसने लेके क्वीन को थ्रेटन किया, देखो। हाँ, एकदम गलत चीज़ है वो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये प्लेयर अमेच्योर लगते हैं एकदम, क्योंकि क्वीन सीधा इसको मार सकते हैं, नाइट टू पिन है, नाइट से नहीं मार सकते उसको, बरो ना। क्वीन को मार सकता था वो, लेकिन इसने भी नहीं क्वीन को बिशप को मारा। इसने देखो, इसने क्या खेला, पॉन यहाँ, अभी वो पॉन का फोर किया। अभी क्या मतलब है, पॉन को क्या प्रोटेक्शन है। हाँ, ये बिशप को मारना चाहिए था, अभी पॉन को क्या प्रोटेक्शन है। तो क्वीन क्रॉस जी फोर चेक, क्वीन टू ई सेवन, तो चारा ही नहीं है उसके से ऑफकोर्स। अभी तो क्वीन क्रॉस ई सेवन एंड फिनिश चेकमेट। इस तरह से वह बहुत गलतियां की है, इसलिए ठीक है, जो नए खिलाड़ी है कुछ इससे सीखेंगे कि पॉन का फोर्क नहीं करना चाहिए, ये पिन नाइट है, हाँ इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ें नए लोगों को सीखने के लिए अच्छी है। तो पैडजर ओपनिंग अभी कभी गेम एक आधा आया तो दिखाऊंगा, स्पेशली मैंने 3 गेम दिए थे पैडजर के, देखना कभी खेलना है तो खेलिए।